वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, वह सत्तू का पराठा। सत्तू का पराठा बहुत इजी रेसिपी है ब्रेकफास्ट के लिए, और ये ज़्यादातर आपकी नॉर्थ इंडिया की रेसिपी है। ये बिहार, यूपी और बंगाल में ज़्यादा बनाई जाती है। बहुत सिंपल इन्ग्रीडियंट्स चाहिए इसके लिए। आपको चाहिए होगा गूंधा हुआ आटा, सत्तू पाउडर, रिफाइंड ऑयल। आपको चाहिए होगा नमक, राई, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, बारीक कटी हुई लहसुन, प्याज, बारीक कटी हुई मिर्च और अदरक। प्याज और अदरक आपके बीच आप नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। बाकी अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तवा गर्म होने को रख देना है गैस पे। तब तक हम बैटर मिक्स कर लेते हैं सत्तू का। सत्तू पाउडर लेना है पहले, इसमें आपने अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक आप यूज कर लें। राई थोड़ी सी, राई आप भून के भी डाल सकते हैं। मिर्च और हल्दी थोड़ी बहुत लाइट सी, नहीं भी यूज करना चाहते हैं हल्दी तो आपकी मर्जी है। ये मिक्स कर लें अच्छे से। सत्तू बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा। नमक टेस्ट कर लें कि आपके स्वाद अनुसार है या नहीं। वेट करते हैं, आपका रेडी है। और हमने क्या करना है, इस तरह से रोटी का पेड़ा ले लेना है और इसे हल्का सा आटे में इस तरह से ब्रूड लें और इस तरह से गोल गोल आकार में यूं करना है। अब हमें इसे फिल करना है इस तरह से। सत्तू आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, इस तरह से गोल बना लें। अब आपको इसे बहुत अच्छे से बेलना है इस तरह से। बेलना थोड़ा मुश्किल जाएगा, धीरे धीरे करके आप इसे रोल कर लें। अभी आपका बेल चुका है, एक टेबलस्पून ऑयल डाल लें और अब हम इसे तवे पर रख देंगे इस तरह से। सेकने का वेट करते हैं। हल्का हल्का ऑयल लगा लें अपने अकॉर्डिंग। जब आपका ये दोनों तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो आप इसे पलट लें, चेक कर लेते हैं। बहुत ही इजी, इंस्टेंट इजी रेसिपी। आप लोग चाहें तो बटर घी भी यूज कर सकते हैं। पलट के देखो, हल्का सा ऑयल लगा के सेक लो। एक तरफ से सीख चुका है, दूसरी तरफ से अच्छे से सीख लें। फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। चेक कर ले रही हूँ मैं। जो लोग ऑयल ज्यादा नहीं खाना चाहते हैं वो कम ऑयल में सीख, क्योंकि हल्का हल्का फूल भी रहा है ये। जिसको करारा चाहिए वो ज्यादा देर सेके। और अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। आप इसे सॉस के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपकी हमारी रेसिपी, आपको हमें जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना।